इंदौर में स्थित प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल एम्बॉय में मरीजों को सही समय पर इलाज नहीं मिल पाता है। इसके पीछे मेडिकल स्टाफ की बड़ी भूमिका होती है। ऐसा ही मामला हुआ है डिजिटल एक्सरे विभाग में। यहाँ कई दिनों से एक्सरे नहीं हो पा रहे हैं। स्टाफ दरवाजा लगाकर अंदर रहता है और मरीज बाहर एक्सरे के लिए परेशान होते रहते हैं। एम्बॉय अस्पताल में रोजाना हजारों मरीज आते हैं। इनमें कई मरीजों को एक्सरे की आवश्यकता होती है। दिन भर बीतने के बाद भी मरीजों के एक्सरे नहीं हो पाते हैं। हमने जब देखा कि डिजिटल एक्सरे विभाग के बाहर कई मरीज खड़े रहते हैं और स्टाफ अंदर जाकर दरवाजा बंद कर देता है, ऐसे में एम्बॉय की स्वास्थ्य रक्षा कार्य प्रणाली पर कोई कैसे भरोसा करेगा? मेरे को हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रेडियोलॉजी ने बताया था कि वहाँ पे अभी IVP वाले प्रोसीजर्स एक्सरे में नहीं हो रहे हैं क्योंकि डाई की अवेलेबिलिटी नहीं है। जो कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन यूज करते हैं उसके लिए हम लोग प्रक्रिया कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही वो उपलब्ध हो जाएगी और ये प्रोसीजर्स फिर होने लगेंगे। कितने दिनों से बंद है? मैंने अभी 4 दिन पहले ज्वाइन करा है और मेरे पास में कल ही ये जानकारी आई।